नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तवा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। वेलकम यू टू माई चैनल अनुसंधान। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अगेन दिस इज पार्ट 3 ऑफ मैनेजिंग डेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल, सिंपल एंड यूजफुल ऑल्सो। देर आर टू things we are going to discuss in this video. The first one is select keys and the second one is short keys. ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान हैं और बहुत ही उपयोगी भी हैं जब आप काम करेंगे। सिंपल है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंपल फीचर ऑफ एस पी एस एस। लेट्स सी हाउ टू सेलेक्ट द केस एंड हाउ टू शॉर्ट द केस। इसके पहले के वीडियो में, मैनेजिंग डेटा पार्ट 1 में, हमने समराइज केस को सीखा था, केस समराइजेशन सीखा था। आज उसी के दो छोटे फीचर्स हैं, सेलेक्ट केस और शॉर्ट केस। देखते हैं, ये वही पुरानी फाइल है हमारी इंटरनल मार्क्स की। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो केवल यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, इस फाइल में वेरिएबल देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नेम, जेंडर, कास्ट, सेक्शन, सेशनल 1 एग्जाम, सेशनल 2 एग्जाम, सेशनल 3, अटेंडेंस मार्क्स, क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स और टोटल इंटरनल मार्क्स। मतलब एक क्लास के तीन सेक्शन हैं, तीन सेक्शन के स्टूडेंट का नाम है, उनके जेंडर हैं, कास्ट हैं और सेक्शन उनके तीनों डिवाइडेड हैं। देखिए यहाँ पे जेंडर में वैल्यूज में आप देख सकते हैं मेल फीमेल, और कास्ट में भी देख सकते हैं आप एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल। और यहाँ पे सेक्शन में देख सकते हैं तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी। तीनों के सेशनल मार्क्स, तीन सेशनल एग्जाम हुए हैं उनके मार्क्स हैं, अटेंडेंस के मार्क्स हैं, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, उसके बाद उनके टोटल इंटरनल मार्क्स हैं। ये है हमारा कंप्लीट डेटा। टोटल 105 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, जिसमें कंप्लीट ये डेटा की फाइल है हमारी, जिसमें अभी तक कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। कंप्लीट डेटा है, जेंडर, कास्ट, सेक्शन, सेशनल 1 एग्जाम, सेशनल 2 के मार्क्स, सेशनल 3 के मार्क्स, अटेंडेंस के मार्क्स, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स और टोटल इंटरनल मार्क्स। चलिए तो सबसे पहले सेलेक्ट केस के बारे में समझते हैं, सेलेक्ट केस है क्या। देखिए सेलेक्ट केस क्या है, ये सारे हमारे केसेस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो केसेस हैं, मेल का केस अलग है और फीमेल का केस अलग है। कास्ट की बात करें, कास्ट में भी हमारे पास कई सारे केसेस हैं, कि एससी की बात करेंगे तो अलग है, एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है, माइनॉरिटी का अलग है, जनरल का अलग है, सबके अलग अलग स्टूडेंट होंगे। वैसे ही अगर हम सेक्शन को भी केस माने तो सेक्शन ए का केस अलग है, सेक्शन बी का केस अलग है और सेक्शन सी का केस अलग है। बात समझ गया? तो अगर हम ऐसा अगर हम चाहते हैं कि केवल हमको एक ही केस शो करे, कि भाई अगर हम चाहें कि भाई जेंडर में केवल, जैसे यहाँ पे जेंडर के लिए हमने मेल और फीमेल लिए हैं, 1 फॉर फीमेल है और 2 फॉर मेल है। अगर हम चाहें कि केवल फीमेल का डेटा दिखाए, केवल फीमेल का डेटा दिखाए, मेल का डेटा ना दिखाए, या जो भी हम एनालिसिस करें, दिखेगा सब लेकिन वो सेलेक्ट कर देगा केवल मेल या फीमेल को अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो जितने भी एनालिसिस आप यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, जो भी एनालिसिस यहाँ पे आप करेंगे, वो एनालिसिस केवल उस सेलेक्टेड केस के लिए होगा, बाकी केस को वो नहीं लेगा। जिस केस को हमने सेलेक्ट किया है उसी केस के एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन एसपीएसएस करेगा। ये है एसपीएसएस की खासियत। अगर हम लोग केस सेलेक्ट कर लें केवल एक ही केस के बारे में, अचानक से मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछा गया, ये डेटा है कि बताइए कि मेल के सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अलग हमको सब अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर हम जाके देखेंगे। और फिर उसी मेल में कास्ट जिसका जनरल हो उनका एवरेज मार्क्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए।
ये भी निकालना, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और कंप्लीट एक बड़ा रिपोर्ट हमको मिलेगा, उसमें से ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि हम पहले से केस को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो एनालिसिस रन कराना चाहते हैं रन कराएं और वो सारे रिपोर्ट हमको मिलते जाएंगे। देखिए ये फीचर है आपका डेटा में, डेटा में आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट केस। देखिए सेलेक्ट केस, सेलेक्ट केस पे क्लिक कर देते। अब हम लोग इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि कौन से केस को आपको लेना है, तो हमने इफ कंडीशन लगाया और इफ पे क्लिक किया। इफ कंडीशन लगाया और इफ पे क्लिक किया और यहां पे हमने जेंडर हमको लेना है, जेंडर लिया। देख लीजिए यहां पे जेंडर पे क्लिक किया, यहां पे ये नॉमिनल वेरिएबल हमारा है, ये हम लोग का वेरिएबल ही है, और यहां से क्लिक करके इसको हम केस वाले में लाए कि भाई हमने इस केस को सेलेक्ट किया है। अब जेंडर में किसको सेलेक्ट करना है, वन मतलब फीमेल है, टू मतलब मेल है, तो मान लीजिए कि हमको मेल को लेना है, इक्वल टू टू हो जाएगा। इसका मतलब एसपी से समझेगा कि हमको मेल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि वन फॉर फीमेल है, टू फॉर मेल है, इसलिए हम ये एसपी से समझेगा कि हमको मेल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे सब ठीक है, क्लिक ओके। देखिए क्या हुआ, देख रहे हैं जितने भी फीमेल है वहां पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। देखिए अब आपका केस, अब जो भी आप रन करेंगे वो केवल मेल पे रन करेगा। चलिए तो एक एक छोटा सा एनालिसिस हम रन कराएंगे और केस समराइजेशन के थ्रू करेंगे, जिससे हमारा केस समराइजेशन वाला रिवीजन भी हो जाए। तो हम एनालिसिस में चलते हैं और जानते ही आप एनालिसिस रिपोर्ट केस समराइज, एनालिसिस रिपोर्ट केस समराइज, केस समराइज में गए और वेरिएबल पे हमने लिया टोटल इंटरनल मार्क्स, वेरिएबल में हमने टोटल इंटरनल मार्क्स ले लिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखिए, ये ग्रुपिंग वेरिएबल में हमने जेंडर इज इक्वल टू टू जो हमने लिया था उसको ले लिया। जेंडर इज इक्वल टू टू, स्टैटिस्टिक्स में अगर हम इसका मीन देखना चाहते हैं, यहाँ से आपको बताया हमने पहले कि स्टैटिस्टिक्स में मीन लिया और यहाँ से ट्रांसफर करके हम सेलेक्ट स्टैटिस्टिक्स में इसको लेकर आए हैं और उसके बाद कंटिन्यू किया और ये ओके किया, आउटपुट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे 105 हमारे टोटल थे जिसमें से 41 फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे केवल 41 फीमेल्स का ही यहाँ पे मीन आपका निकाला हुआ है। ये 41 फीमेल्स हैं और ये उनके टोटल मार्क्स हैं और यहाँ पे उनका 60.10 उनका मीन आ गया। फिर से करके दिखा दें एक बार, एनालिसिस में गए, रिपोर्ट केस समराइजेशन, यहाँ पे अगर हम ये वाला भी डेटा लें इसे भी करके देखते हैं एक बार। देखिए तो यहाँ पर भी ये 41 जेंडर का है, 41 और 41 क्यों, क्योंकि 41 ही केवल मेल हैं, 2 को हमने सेलेक्ट किया था, याद करिएगा 2 को सेलेक्ट किया था और मेल को ही, और ये मेल का ही एनालिसिस शो करेगा। ये देखिए मेल के नंबर्स हैं और ये इनके मार्क्स हैं और उनका मीन 60.10 है, क्लियर हुआ। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द केस, सेलेक्टेड केस, जिस केस को सेलेक्ट करेंगे कुछ और करके भी देख सकते हैं। केस समरी, केस समरी सेलेक्ट केस हमारा हो गया। अब इसको एक बार शॉर्ट करके देखते हैं, हमारा जो दूसरा फीचर है वो भी आपको बता दें और शॉर्ट केस करके देखते हैं। अब इसको मान लीजिए आपने ये फीचर अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपको ये फीचर हटाना है कि नहीं, हमारा सब पे काम होना चाहिए, तो क्या करना होगा। फिर से जाएंगे डेटा,
डेटा से सेलेक्ट केस में जाएंगे और यहाँ पे ऑल केसेस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब फिर से हमारा ये सारा डेटा दिखने लगेगा, क्रॉस हट गया। अब देखिए, अब यहाँ से फिर से अगर हम रिपोर्ट में जाके केस समराइजेशन में जाएंगे और एक बार फिर से यहाँ से बाहर करेंगे और जेंडर को ही लेना है। तो टोटल इंटरनल मार्क्स दिया और यहाँ पे जेंडर लिया। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि 100 मतलब 100 का ही दिखाएगा, ये 105 है। पिछले बार हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन ये हमारा टोटल डेटा 105 का है। तो यहाँ पे 105 लिखेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए ये फीमेल का, मेल का, दोनों का दिखा रहा है। हमने सेलेक्ट केसेस में से हटा दिया फीचर और ऑल केसेस पे अब काम कर रहा है। पहले केवल मेल पर ही काम कर रहा था, फीमेल और मेल दोनों दिखा रहा है। वैसे एक छोटा सा फीचर और है, जल्दी से बता देते हैं उसको भी। द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट केसेस। किसी भी केस को शॉर्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 1 for female 2 for male, शॉर्ट कर देंगे तो पहले 1 आ जाएगा, पहले जितने फीमेल हैं उनके डेटा आ जाएंगे, उसके बाद जितने मेल हैं उनके डेटा आ जाएंगे। देखिए जेंडर को शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो नॉर्मल फीचर है, वर्ड में सब जगह हम लोग देखे होंगे। यहाँ पे कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, यहाँ पे जाके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कहीं भी सब में शॉर्टिंग मिलेगा आपको। असेंडिंग में किया और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया, ये देखिए अभी 2 1 1 2 1 लिखा है ना। ओके करते ही देखिए क्या हुआ, डेटा सीट में जाते हैं, देखिए पहले पूरे मेल का ले लिया, यहाँ तक पूरा मेल है 64 तक, उसके बाद देखिए सॉरी फीमेल है, उसके बाद फिर मेल का ले लिया। तो ये हो गई शॉर्टिंग। ऐसे ही किसी को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे एक बार और शॉर्ट करके देखते हैं। शॉर्ट डेटा में शॉर्ट केस में जाएंगे और इसके जगह पे अगर हम लोग कास्ट को शॉर्ट करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे कि भाई एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है, तो कैसे शॉर्ट करेगा? जिस प्रकार से हमने नंबर दिया है, कहीं एसपीएसएस तो नंबर समझ रहा है, तो 1 2 3 4 5 करेगा। तो हमने ओके किया, देखिए अब ये कॉस्ट भी पहले 1 फिर 2। अब देखना है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ देखिए 1 for SC 2 for ST 3 for OBC, अब ऐसे करके शॉर्टिंग कर दी, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेलेक्ट केस एंड शॉर्ट द केस। थैंक यू सो मच, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।